फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं पठानकोट की, जहां सुजानपुर के नीम पहाड़ी इलाके में धार कलों में पिछले काफी समय से तहसीलदार ही नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और इस भीषण गर्मी में दूर दूर से अपने कागज पत्र सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहां पहुंच रहे लोगों को खाली हाथ बेरंग ही घर लौटना पड़ता है। और यह हालात तब से बने हुए हैं जब से धार ब्लॉक को तहसील का दर्जा मिला है। दरअसल नीम पहाड़ी इलाका पठानकोट शहर से काफी दूर है और दूरी की वजह से यहां पर कोई भी अफसर नहीं रहना चाहता। अगर सरकार के किसी अफसर को यहां लगाया भी जाता है तो वो कुछ ही समय में अपनी बदली करवा लेता है, जिसके बाद फिर से लोग परेशान होने लगते हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई अधिकारी यहां पर टिकता भी है तो वो हफ्ते या एक दो बार ही दफ्तर में दिखाई देता है। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही के कारण नीम पहाड़ी से लगते करीब 40 से 50 गांव के लोग परेशानी झेल रहे हैं। तो लगातार इस क्षेत्र की जनता का यहां से सटे हुए आसपास के 40 से 50 गांव में रहना परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि सरकारी कामकाज और कानूनी प्रक्रिया को करवाने के लिए उनके पास यहां कोई सरकारी अफसर ही मौजूद नहीं है। तो चुनाव खत्म हो गए लेकिन तहसीलदार का इंतजार लगातार इस क्षेत्र के लोगों का खत्म नहीं हुआ है। काफी दिनों तो जो इलेक्शनों तो पहले तो तहसीलदार साहब इतों बदले होकर चले गए। अज तक लगभग इतों 15-20 पिंड के बच्चे जिन्हें भी आवाम जिनी दुनिया सारे लोग जो लोग ने वो इन्ने के परेशान हो रहे हैं। किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने बच्चे ने कोई इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, स्कूलों एडमिशन वास्ते देने हैं, वो मतलब रोज़ इतने 20-30 चक्कर ला चुके हैं, लेकिन अज तक उन्होंने ना तो कोई सर्टिफिकेट बन दिया है ना कोई कंडी एरिए कोई सहूलत जी लोगों ने दी जा रही है। चले रुक करते हैं पठानकोट का, जहां से हमारे संवाददाता गुरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन पठानकोट के क्षेत्र के लोगों का इंतजार किसी तहसीलदार के लिए या सरकारी अफसर का अब तक खत्म नहीं हुआ है और लोगों को अपने सरकारी कामकाजों को पूरा करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, नीम पहाड़ी इलाका जो धार है जो पठानकोट से तकरीबन कोई 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ के लोग भोले वाले लोग हैं और उनको भी ऐसी कोई भी बात का नहीं पता चलता, लेकिन वो लोग पहले पठानकोट आते थे अपने कामों को करवाने के लिए, चाहे वो तहसील का काम था या डीसी ऑफिस का काम था। अभी पिछले अकाली दल और भाजपा की सरकार के समय जो वहाँ पे जो एक तहसील बना दी गई, वहाँ पे तहसीलदार और एसडीएम जो बैठने शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ समय से ये अभी वहाँ पे नहीं बैठ रहे, जिसके चलते लोगों को इसकी भारी जो है वो प्रॉब्लम जो उसका सामना करना पड़ रहा है। जी तो गुरप्रीत, यहाँ पर चुनाव भी हो गए तहसीलदार के बिना, कोई सरकारी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई। हमारी टीम की तरफ से कल वहाँ का दौरा किया गया था और वहाँ पे जाके देखा था कि वो जो सब तहसील है वहाँ पे कोई भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं था, ना ही नायब तहसील आते ना ही तहसील आते। जो वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो भी कोई ऑफिसर आता है वो कुछ समय के लिए आता है, क्योंकि ये पठानकोट से काफी दूरी पर है। चलिए गुरप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। तो वाकई सरकार की एक बड़ी लापरवाही है कि चुनाव खत्म हो गए लेकिन यहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, लोगों को अपने छोटे मोटे सरकारी कामकाज को पूरा करने के लिए भी कई परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ता है। तो धारकला में कोई तहसीलदार मौजूद नहीं है और तहसीलदार के न होने की वजह से